देहरादून में लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से नामांकन होगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों को भी नामांकन को लेकर निर्वाचन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीते रोज प्रदेश के 54,000 स्थानों पर प्रचार सामग्री हटाई गई है, जो कि निर्वाचन के नियमों को उल्लंघन करती है। इसके अतिरिक्त सी विजल ऐप के माध्यम से भी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली अब तक 3,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनका निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। दो तीन प्रमुख बातें कवर करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो जैसा कि आप लोग पहले ही चुनावी कार्यक्रम से ऑलरेडी आप लोग भिग्य हैं, तो कल हमारी पब्लिक नोटिस नोटिफिकेशन की तिथि है 20 मार्च, और कल ही से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नामांकन के लिए भी कुछ जो प्रमुख बातें हैं, जैसा कि ये जो पब्लिक नोटिस है, सभी आरओ मुख्यालय पर, यानी कि जो हमारी 5 सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें मुख्यालय पर नामांकन हेतु पहले ही पब्लिक नोटिस 10 बजे से पूर्व चस्पा कर दिया जाएगा, और उसके बाद 11 से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया प्रतिदिन 27 तारीख तक चलेगी, एक्सेप्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, यानी कि जो बीच में एक अवकाश है होली का, उसको छोड़कर। इस अवधि में कुछ रूल्स रहेंगे जो कि जो संबंधित प्रत्याशी हैं उनके उनसे रिलेटेड, तो उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में हम बता देते हैं। जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि फॉर्म ए, बी, एफिडेविट और सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रूफ आदि, वो ऑलरेडी नोटिफाइड है, बताई गई है, और इस नामांकन प्रक्रिया को करने के लिए suvidha.eci.gov.in एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी है, इसमें भी यही प्रक्रिया है।